भैया वो जो राइड थी वो कंप्लीट कर दी है। देखो गाइस 123 रुपये मतलब इधर दिखा रहा है, ठीक है, मेरे को जो मिला है। बट कस्टमर से मैंने कितने रुपए, मतलब कस्टमर से मैंने 300 की आस करी थी, लेकिन यार मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था 300 रुपये लेते हुए भी। तो कस्टमर ने देखो क्या पे करा, मैडम ने 250 रुपये करे हैं, हमने मतलब 250 बोले थे, 200 उन्होंने पहले 200 करे हैं यहाँ पे, फिर 50 रुपये ये करे, 250 रुपये कर दिए मैडम ने, ठीक है। तो जो अभी तक मेरी अर्निंग हो चुकी है 250 रुपये उधर ऑफलाइन वाले अपने, और 181 रुपये का काम ये लगभग 450 या 430 431 रुपये के लगभग अर्निंग हो चुकी है मात्र कितनी देर में, 1.5 घंटे में। तो बस ऐसी अर्निंग होती रहे तो भाई रुकने ना जाए, कंपनी बस तक ऑर्डर देती रहे बस, और तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं कि सब एक नंबर देख रहे हैं। भैया दिन आज तारीख देख लो, पहले तो टाइम चेक करो भाई, 2:11। ये एक पार्सल है डबल वाला, है ना, तो ये लेके जा रहे हैं, ये मेरा ऑफलाइन पार्सल है और इसको लेकर के जाना है कहाँ पर, बालागंज में लेके जाना है आई थिंक। सो 1 किलोमीटर की लोकेशन खुल रही है यहाँ से, मैं दिखा दे रहा हूँ। अरे यार खुलता ही नहीं, तो मैं भी कभी कभी हाथ भीगे हुए हैं, यहाँ एक कुत्ते ने परेशान कर रखा भाई। देख लो भाई 15 किलोमीटर जाना है लेकर के, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा के लिए मैडम से बोल दिया, तो एक्स्ट्रा पैसा जाएगा इसमें। अब देखो क्या चार्ज करूँ, आप लोग बताओ। 15 किलोमीटर है तो 150 रुपये तो इस हिसाब से होगा, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, तो बोलते 250 के लिए, अगर 250 कर देते तो अच्छी बात है, वरना देखते क्या होता है। ठीक है चलते फटाफट से, तो कुछ बैठा भी नहीं पाएंगे, केवल यही पैरा लेके जाते हैं। ठीक, तो आज की शुरुआत होती है 2:11 से, चलते फटाफट से। और बूंदी आबांदी हल्की फुल्की सी हो रही है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ और मैंने वो ड्रॉप भी कर दिया है, तो मैडम से ज़्यादा नहीं, मैंने 250 रुपये के लिए बोल दिया यार, कोई गलत तो नहीं, उन्होंने कहा ठीक है 250 कर देंगे। बाकी मैंने फिर से यार कोटर खोल रखा है और बारिश होने लगी, तो भाई दिक्कत क्या है, खड़े की कोटर ही खोला है। ये देख लो भाई बारिश हो रही, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये देखो है बारिश की आ रही है। तो भैया चुपचाप खड़े हैं, कोटर ही है जो बजा सकता है वही का ऑर्डर करेंगे। रेनकोट भी लेला जल्दी बाजी में, आज तो हम रेनकोट भी घर पर भूल आए, देखते हैं अभी ठाकुर बन गई है। बारिश देखो कितनी गदर की हो रही है भाई, गाड़ी वो खड़ी हमारी जलवे जलवे ना, नहीं जलवे खोएंगे होंगे आज, देखो पोल्टरी पोटर पे लेंगे आज बिना वर्दी के, देखना सील के दिखाएंगे कंपनी को। ये रही भैया आईडी, लॉगिन हमने कर दिया फटाफट से, देखते क्या होता है। देखो भैया 123 रुपये का पोटर बज रहा है यहीं कहीं से, इसमें टू मोर स्टॉप, अभी तो 1 मोर स्टॉप दिखा रहा था, देखे कहाँ कहाँ टू मोर, अच्छा चलो दो ही हैं, एक ये कोई कामाख्या हॉस्पिटल टंडन चौपटियों में देना है, एक सेंट गैब्रियल में देना है। तो 123 रुपये का बुरा नहीं है भाई हमने जो पकड़ा है, चलो फटाफट से इन्हीं को ड्रॉप करते हैं, देखते हैं पिकअप कहाँ से, पिकअप भी आप लोग को दिखा दे रहे, पिकअप भी ज़्यादा दूर से नहीं है, चोर घाटी के पास से पिकअप करना है। चलो बारिश भी कुछ हल्की हो गई है, दिखा रहा हूँ कितने किलोमीटर से पिकअप है, मात्र 700 मीटर से पिकअप है, ठीक है भाई, चलो डबल स्टॉप वाला करते चल के फटाफट से, ठीक है। केवल पोटरी पे लेंगे, आज तो बारिश हो रही ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन यार भाई रेनकोट नहीं लाना, भीग तो जाएंगे हम, चलो देखते हैं। गाइस ये रहा भैया इनका तीन तमड़ा जो भी है बंद बना के तैयार हो गया है, और इसको यहाँ पे करते हैं पिकअप, ठीक। पिकअप करने के बाद यहाँ से पहले जाना है चौक में, कोई बालागंज चौराहे पे ही, एक कितने मीटर दूर है, 2.5 किलोमीटर यार 2.6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ उसमें से क्या करना होगा मेरे को, मतलब समझ नहीं पा रहा, उसमें से क्या छाट बीन के देना होगा क्या, अगर ऐसा कोई भांगड़ा होगा तो मना कर दें कस्टमर से कि भैया जो ड्रॉप लोकेशन जो दूसरी वाली पड़ी है ना आपकी, ये वाली केशव नगर सेंट गैब्रियल स्कूल, सीधे वहीं जा करके देंगे, ठीक है। पहले फ़ोन कर लेते कस्टमर को, कस्टमर क्या बोल रहे हैं। तो भैया जी वो जो था क्या कहते हैं सिस्टम, उसको मैंने मतलब पहले वाले को रीच कर लिया, दूसरी जो लोकेशन है यानी अभी अपन 2.6 किलोमीटर चल के आए, अब देखते हैं यहाँ से कितना जाना है सेंट गैब्रियल, दिख जा 6.1 तो 8.7 किलोमीटर के मतलब जाना पड़ा, तो टोटल अपना जाना पड़ेगा, मतलब अभी जाना तो नहीं पड़ा फिलहाल, फटाफट चलते हैं। और मेरे को पता सेंट गैब्रियल कहाँ पर है, तो मेरे को ऐसा जिसमें कुछ देखने की दिक्कत है नहीं, ये अंदर वाले रास्ते से भेज रहा है यार, चलो अंदर वाला भी पता है मेरे को, फटाफट चलते हैं, ठीक है। बारिश हो रही है यार, देखो बात मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। चलो भाई ड्रॉप तो कर दिया है और इसको यहाँ पे करता हूँ पूरा कंप्लीट,
कंप्लीट मैंने कर दिया 124 रुपए के साथ, ठीक है। तो अपन को इस ऑर्डर के मिले 105 रुपए, जो कि चलना पड़ा 8.6 किलोमीटर, तो बुरे नहीं है। बाकी मैडम ने पता नहीं कितने रुपए कर रहे हैं, तो फोन पे पर मैं देख ले रहा हूँ एक बार, एक सेकंड ट्रांजेक्शन में जा करके, ये 130 रुपए मैडम ने करे, ठीक है। चलते भाई दूसरा कोई ऑर्डर ढूंढते हैं पोर्टर पर, पोर्टर तो भैया खुला हुआ है, मिलते हैं भाई जब कोई ऑर्डर लगता बढ़िया से, ठीक है। भैया जी केशव नगर से ही हमने, केशव नगर जस्ट थोड़ी सी दूर से, 100 मीटर दूर से मैंने ये पकड़ लिया है पोर्टर, 45 रुपए का पोर्टर है, कोई बात नहीं है। और कस्टमर बोल रहे हैं कि कुछ गलत हो गई है लोकेशन, तो हमने कहा ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये जो 45 के 90 हो जाएंगे भी फटाफट से, और जाना थोड़ी दूर पे है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर का है 45 रुपया, 30-35 तो मिल ही जाएगा यहाँ से बाहर निकलने का। चलो देखते हैं अब पिकअप यहाँ व्हाइट हाउस से करना है, ठीक है। ये देखो भैया आ गए। हाँ जी हाँ जी, क्या चीज, रुक जाओ भैया, ये रहा आइटम मैंने पिक कर लिया है, कस्टमर ने मल्टीपल एड स्टॉप कर दिया है, लेकिन पैसा कम दिखा रहा है यार, सोचा था पैसा बढ़ेगा वो, तो चलो देखते हैं। चलो यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखो यहाँ से बाहर निकलने का ही वो पैसा है। अबे भाई फ़ोन वाइब्रेट करता जा रहा, दिमाग ख़राब हो रही है। अबे खुलोगे ठिंगे की नहीं खुलोगे, जल्दी जल्दी खुलो, रिची रिच की लोकेशन दिखा, ज़्यादा नहीं 2-4 किलोमीटर का फ़र्क है यहाँ से भाई, वो देखो 1.9 किलोमीटर का, 50 रुपया बुरा है क्या, 40 तो मिलेगा खट पिटा करके। चलो फटाफट से चलते हैं, ठीक है, ड्रॉप करने। रुको जरा, सबर करो। गाइस देख लो आप लोग, 89 रुपीस का बिल हो गया है, जो जैसा कि मैंने बोला था एड स्टॉप कराने पे, पता नहीं कुछ ना कुछ तो होता है, बढ़ जाता है, तो वो कंपनी ने बढ़ाया 89 किया है। पैसा आए भैया, देखो जल्दी से मंगाओ, देखो भैया इनको मैं डिलीवर कर रहा हूँ 5-स्टार रेटिंग के साथ, ठीक है। अपन को इसके कितने मिले, 75 रुपीस इस ऑर्डर के मिल गए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ सही है या गलत है। तो गाइस देखा ये है जुगाड़, 2 किलोमीटर के 75 रुपया हमने लूट लिया, हमने लूट क्या लिया भाई, हमें लगा था कहीं दाएं बाएं जाना, तुरंत फटाफट से स्टॉप करवाया करो। देखो 76 रुपया मिला है 2 किलोमीटर आने का, सही है कि नहीं सही है, आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी अपन आगे पूर्णिया, तो यहाँ पे वेट करेंगे, केवल पोर्टर खुला रहेगा, बारिश हुई हुई शायद देखो बच जाए, फिर रैपिडो भी खोल लें, चलो चाय वाय पीने के बाद रैपिडो खोलते हैं। तो अभी का टाइम हो चुका है 4:02, तो जो अभी तक मेरी अर्निंग हो चुकी है 250 रुपये उधर ऑफलाइन वाले अपने, और 181 रुपये का काम ये लगभग 430 रुपये के लगभग अर्निंग हो चुकी है मात्र कितनी देर में, 1.5 घंटे में। तो बस ऐसी अर्निंग होती रहे, तो भाई रुकने ना दें, कंपनी मतलब ऑर्डर देती रहे बस, और तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे, बताते हैं आप लोगों को, और ऐसे ही काम करेंगे भाई। थोड़ा बहुत भींग भाग गए, भीग नहीं गए भींग गए, कुछ लोग कहते हैं भीग मतलब होता है एक्चुअल में भीग गए हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नाक से भींग गए हैं भींग। चलो भाई मिलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कौन कहता है भींग गए हैं। गाइस राइड वाइड आ नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, हमने कहा पहले पकड़ो 6 किलोमीटर की, मैंने रैपिडो की लाइट की राइड पकड़ ली, जो कि सर्द लगा था 2-4 रुपया बढ़ा के देखा, तो ऑलमोस्ट बराबर तो नहीं हो पाएगा बाइक की राइड के बराबर, बट कुछ से कुछ बढ़ के मिलेगा, ठीक है। चलते हैं मुंशी पुलियन को ड्रॉप कर ले। भैया जी उनको ड्रॉप कर दिया, 50 रुपया मिल गया है, 50 रुपया हमको 6 लगभग कितने किलोमीटर का मिला, 6.77 किलोमीटर का मिला, जो कि सर्द लगा है, तो नॉट बैड, ठीक है। तो अभी अपन है यहाँ पे भाई, पता है एक पोर्टर तक तगड़ा हो जाए 144-145 रुपये का, और बचता रहा कस्टमर को फ़ोन पकड़ाया क्योंकि बारिश हो रही थी, हमने याद रखे उनसे कहा टैप करो टैप करो, वो ऐसे एक बार टैप करें फिर करना है फिर करना है फिर करना है, ऐसे चला गया भैया। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। गाइस मुंशी पुलिया पे खड़े हैं, मुंशी पुलिया चाय की दुकान पे है, ये ओला पे गोटू हम ठासे खड़े हैं, उसके बाद फिर ये रहा पोर्टर, ये रहा कर रहे पिटो भाई, देखो इसका कैंसिल हो गया एक लौंडे का ऑर्डर, देखो 500 रुपए का ये देख रहे हो, लखनऊ में लूटे पड़ा है कंपनी को, चाहे तो 98 रुपए काम केवल पोर्टर पोर्टर में, ठीक है भाई। चाय वाय देखो निकलवा ली है, ठीक है, उसके बाद तो फिर क्या ही बोलना है, ये देखो पोर्टर में मेरे डिले देखो कितनी देर का चल रहा है, 72 मिनट का भाई, उल्टे सीधे पिकअप आ रहे थे, बताओ यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से पिकअप आ रहा है मेरे को, एक मिनट बता रहा हूँ जरा, यहाँ से पिकअप आ रहा है मेरे को हजरतगंज का, वही महानगर का, समझ रहे हो भाई, हाल खराब हो गया, तो अभी वेट कर रहा हूँ, देखते क्या होता है फिलहाल। अभी ये वर्दी वाले खड़े हैं तो पहले इनको बजेगा और हमको नहीं बजेगा, देख रहे हो भाई कितनी राइडें बज रही है रैपिडो पे कितनी, जबकि गोटू हम लगा कहाँ का है, जानकीपुरम का लगा हुआ, पगली आ गई है कंपनी भाई।
अब उनको काम वाम नहीं करना, केवल घर की तरफ जाना है, देखते घर की तरफ कर लग जाए। ऊपर देखो दिल बना है, गोटो मैंने लगा रखा है, देखो कब मिलता है रास्ता। तो गाइज वहाँ से कुछ तो हो नहीं रहा था, मैंने कहा चलो, तो ये मैंने रैपिडो में पार्सल ले लिया सर जी का। क्या OTP बताया आपने? 202 रुपये लेना है कस्टमर से, वो यहीं पे कर दे रहे। और आइटम जाना है केवल एक 5 लीटर की पानी की बोतल जानी है। आप कर रहे हैं ना, तो आप इसी QR पे कर दीजिए, ये लीजिए। सर जी ने तो उधर पे कर दिया, इधर भी पे हो जाना चाहिए आई थिंक सो, और इधर भी पे हो गया ऑनलाइन पेड। OTP क्या बताया था सर आपने? 7090 OTP है। यहाँ से दिखा दे रहा हूँ डिस्टेंस कितना है इस 20 किलोमीटर खुल रहा है यहाँ से फटाफट से, और टाइम लगने वाला 45 मिनट्स। तो आई थिंक सो ये एक्सप्रेस वे होकर के भेज रहा है कि अंदर से भेज रहा है? चलो ये तो अंदर से भेज रहा है, बट अंदर से ही चलना पड़ेगा मेरे को। ठीक है सर, जा रहा हूँ लेकर के, धन्यवाद। चलो भाई यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है मैंने, क्या नाम है वो वाला ऑर्डर, अपन को कितने रुपए मिले ये चेक करना है। इस 19 किलोमीटर के, 20 किलोमीटर नहीं था, कुछ कम था, ठीक है, क्योंकि 19 के बाद 100-200 मीटर होता तो दिखाता 20 किलोमीटर है। ओ भाई साहब 165 रुपये मिले इस पोर्टर, मतलब इस पार्सल के, वृंदावन कॉलोनी की आ रही। 3 किलोमीटर के फूड डिलीवरी, नहीं फूड डिलीवरी नहीं उठानी, माफ़ करो। ओला देख रहे हो, सीढ़ियों से चल के आया भाई, हाल ख़राब हो गया। ओला नहीं चाहिए, फूड डिलीवरी नहीं चाहिए, मतलब मेरे को पोर्टर लगाओ। तो गाइस 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 पता नहीं लेंस साफ है कि नहीं साफ है, जैसा भी है अगर लेंस ना साफ हो तो आवाज़ सुन लो। पहले रैपिडो की हरकतें देखो, एक नहीं दो नहीं तीन तीन राइडें बज रही है, तीन तीन बैकग्राउंड में बज रही है भाई साहब, ये देखो पागल हो गई आज रैपिडो। और सब बाइक बूस्ट, बरसात में दिमाग खराब है रैपिडो वालों के। देखो 3 किलोमीटर ये क्या कुत्ता भौंक रहा हमको। हम जा रहे हैं फिनिक्स प्लासियो, वहां से एक राइड ऐसी उठाएंगे कि केवल घर की, केवल घर जा रहा है हमको। देख ले आगे कुछ, हाँ देखो भैया रोडे वोडे देख लो, देख ये ID खुली है देख लो, हम जा रहे हैं प्लासियो। तो आज का दिन तो भैया वहाँ का बेकार एकदम खबोडा, पहले देखे अबे ये कट नहीं है। 3 किलोमीटर की रैपिडो, भाई देखो रैपिडो कितनी बज रही, केवल 2 मिनट के लिए रैपिडो देख लो आप, बड़ा बजे जा रही है, बजो और बजो, सब बाइक की वो लाइट की राइडें बज रही है अंधेरे वाली, और बजो या ये एक जाती दूसरी जाती है। आज सब कंपनियों के दिमाग ठिकाने लग रहे हैं, चाहे रैपिडो चाहे ओला की राइडें, कम से कम 50-60 राइडें हमने इसकी मारी है घोष, भाई दिमाग खराब कर देते हैं ना। ओला ने भाई कल पाया बहुत है मुझको, तो आज मैंने अपना पूरा बदला ले लिया है ओला से, ये गड्ढा आया इसकी भला हो। हाँ मजे ही मजे भाई, अब चाय पियेंगे वहीं पे, ऐसे टांगे फैला करके चुपचाप से आराम करेंगे, क्योंकि मेरे को घर तो जाना है यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है फिनिक्स प्लासियो से, और बजे जरूर, ऐसा नहीं कि ना बजे, क्योंकि इस समय रैपिडो की और सब राइडर गए हैं भाग बारिश में, अब रैपिडो की फटी पड़ी है, और उसके फटी होने के बावजूद भी बाइक टैक्सी उसकी लाइट की राइडें बजा रहे, बाइक बूस्ट की मारू चार भाई, रुक नहीं रहा, कान में सुराख कर दी से आज रैपिडो वाले, रैपिडो को सुराख कर रहे हैं कान में, कहीं से नहीं रुक रहा भाई कहीं से। अभी 1 बजे लग रहा है, इसके बाद दूसरी आएगी भला मारू। चलो कोई बढ़िया राइडर पे छाट तो उठाते हैं, ठीक है। Meanwhile, देखो भैया कुल्हड़ वाली चाय पिया, और आपसे बोल रहे थे ना कि पोर्टर इसमें से कोई बढ़िया सी देख दाग के उठानी रहेगी, तो एक उठा लिया देख दाग के, 16 किलोमीटर प्लस की है, सादतगंज लेके जाना है और कोई पार्सल लेके जाना है। मैडम ने कहा एक्स्ट्रा भी दे देंगे लेकिन आप सेफली पहुंचा दो, तो चलते हैं अब इसको मोटो व्लॉग करके, ठीक है, आखिरी ऑर्डर है ये, सोच रहे इसको मोटो व्लॉग करते हुए आप लोग को दिखाए, ठीक है, अभी आते हैं फटाफट से उसी कैमरे पर। तो भैया देखो हमने स्टार्ट तो कर दिया है, अब यहाँ चलते हैं, देखो बारिश तो रुकी नहीं रही है, 1.8 किलोमीटर दिखा रहा है, बट यहाँ से जो पिकअप है मैं बता रहा हूँ कितना दूर है यार। कोई कागज़ रखे हो? एक मिनट कपड़ा देना ये वाला, एक मिनट के लिए, इससे ज़रा लेंस साफ करके देखे होता है कि नहीं होता। अबे हमको लगा धुंधला हो गया, चलो ठीक है भाई धन्यवाद। चलो लेंस वेंस हल्का सा साफ कर लिया, अबे भाई उससे भी फालतू कपड़ा मांग लिया था हमने। यहाँ से 1 किलोमीटर जाके पिकअप करना है, मैं दिखा दूँ कहाँ से पिकअप है,
अबे भाई लेंस और गंदा हो गया उसके कपड़े से, तो कपड़ा गंदा उड़ा रखते हैं ये लोग भाई, ये काम गड़बड़ा। रुको हम अपने कपड़े साफ करते हैं, अभी कुछ तो भाई साफ़ हुआ होगा आई थिंक सो। अबे भाई पता है सब कुछ तो भीगा होगा, कैसे साफ़ कर रहे हैं। वो सामने गुम्मत वाली बिल्डिंग देख रहे हो, वहाँ से पिकअप करना है, 700 मीटर से पिकअप है ये, और कुछ ज़्यादा दूर से पिकअप नहीं है, 16 किलोमीटर केवल बाइक की राइड है, बाइक बूस्ट की नहीं है। तो बाइक वाली में ये रहेगा कि भाई तो मज़े 16 किलोमीटर है तो आई थिंक सो 120-130 रुपये का वो होगा, तो मैडम से 70-80 रुपया एक्स्ट्रा बोल देंगे, 200 रुपये भाई पूरे ऐट लेंगे मैडम से अगर जाने वाला हुआ आइटम तो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। तो गाइस 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 पहुंच गया हूँ कस्टमर की लोकेशन पर, ये देख रहे हो भाई, मैडम ने यही तो बताया, आप ही हैं, कुछ कांच का आइटम जाना है, देखे क्या चीज, आ जाइए कोई दिक्कत, चलो ऐसा कर लो और क्या, कितना हो रहा उसका देख लो आप, अभी आप देख लो पहले कितना हो रहा अभी का, उतना ही रिटर्न में भी ले लेंगे। हाँ देख लो आप कितना हो रहा अभी, मैं पकड़ के बैठ जाऊंगी आपको भी इजी हो जाएगा मेरे प्राइस हो जाएगा। हाँ मौसम भी बढ़िया है क्या, एक तो मेरा फोन मम्मी 130 दिखा रहा है, बाकी जो भी होगा मैं आपको 300 दे दूंगी, मतलब टोटल दे दे। ओके ओके आप बैठ जाओ, अभी ऐसे चलोगे कुछ लेना वेना, मैं कुछ नहीं ले रही वैसे, चलो तो फिर आप रुक जाओ पहले बैठ जाओ फिर मैं पकड़ा दे रहा हूँ। किसका, ये जो बैग आपका लगा, नहीं बैग वो बहुत फ्लेक्सिबल है, हमें रख लूँ है, रुक जाइए मैं फुट पैक्स निकाल रहा है एक सेकंड, बैग वो वाला नहीं है जो आप रुको पैर रख के, हाँ इजी, अभी आप इसको रख पाओगे, कुछ गर्म भी है इसमें, आप रख लो बीच में जी, चलिए बताती हूँ, ठीक कोई मसला नहीं, पहले ओटीपी बता दो आप मेरे को, नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से बैठ जाओ, 9893 कितने किलोमीटर, 17 खुल रहा है, ये अंदर वाले रास्ते से दिखा रहा है मैम, हाँ मैं देख लूँ एक बार जरा सा, कोई मसला नहीं है फिर तो, एक सेकंड थोड़ा पैर, एग्जिट इधर से ही वापस ले लूँ, हाँ मैम थोड़ा बहुत बनाते हैं व्लॉग। भाई मैम जा रही हैं अपने रास्ते, ठीक है बाय, और उन्होंने ही बदवा दिया क्योंकि रास्ता बहुत दूर का है तो मेरे को लेके जाना पड़ रहा है, आई थिंक सो मैडम से भाई 300 रुपये की आस कम ने जो बोल रही थी मैम, मैं वही करूँगा 300 रुपये की आस का, तो भाई सही है 17 किलोमीटर के लगभग 16.5 किलोमीटर था और 300 रुपये लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से चलते भाई, अब सब कुछ बंद करके केवल ये वाला ऑर्डर ड्रॉप करके इधर से घर निकल लेंगे, जो हुआ ना था हो गया, आखिरी ऑर्डर था इसी को आखिरी कर देंगे भाई, है चल रहे फटाफट से भाई, सही है मैडम की हिम्मत टूट गई कि हम नहीं जा पाएंगे, तो बस ज़रा आराम से पहुंचा दे यार, इनका कुछ नाजुक सामान है, ठीक राइट थी वो कंप्लीट कर दी है, देखो गाइस 123 रुपये मतलब इधर दिखा रहा है, ठीक है मेरे को जो मिला है, बट कस्टमर से मैंने कितने रुपए, मतलब कस्टमर से मैंने 300 की आस करी थी लेकिन यार मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था 300 रुपए लेते हुए भी, तो कस्टमर ने देखो क्या पे करा, अरे यार पासवर्ड इसमें डालना पड़ेगा आई थिंक सो, रुक जाओ जरा सा पासवर्ड डाल ले, मैडम ने 250 रुपए करे हैं, हमने मतलब 250 बोले थे, 200 उन्होंने पहले 200 कर रहे हैं यहाँ पे, फिर 50 रुपए ये कर रहे हैं, 250 रुपए कर दिए मैडम ने, ठीक है अब बज रहा है 10:35, चलते घर पे, अब जो होना था हो गया, एक बार या तो पाउडर खोल के देख ले भाई, चुनने बहुत है भाई हमारे, चलो अच्छा पाउडर खोल के देखते हैं यहाँ से बचता है कि नहीं बचता हाल ख़राब हो जाएगा भाई 2 किलोमीटर की राइड आ रही त्रिवेणी नगर की, बलराज लाल साहू नहीं उठाएंगे भाई, नहीं उठाएंगे, नहीं माफ़ करना, 2 किलोमीटर नहीं उठाएंगे, कोई बढ़िया राइड बजाओ जानकीपुरम उरम की तो फिर मज़े ही मज़े हो, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हूँ चौक में, चौक भी नहीं कह सकते, सादतगंज के अंदर है, चौक ही लगता है एरिया यार सब कुछ, हम तो उसको चौक नक्खासी बोलते हैं, गली 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 गली, ठाकुरगंज के पीछे टीबी अस्पताल के पीछे आए थे ऑर्डर लेकर के, अभी रास्ता कहाँ गया यही है, हम तो भूल गए ऐसा लगा रास्ता चलो भाई चलते हैं, अगर यहाँ से नहीं होता भाई, बड़ा किच किच था पता नहीं क्या था, हुक्का हुक्का जाने क्या क्या सामान था, कांच पूछ का, तो हमने कहा भैया चुपचाप उनको ड्रॉप करो चल के, उन्हें लंगड़ पेट जो फंसे रहोगे तो फंसे रह जाओगे, ठीक है
चलो। हाँ तो भैया जी आ चुके घर पे, एकदम खा पी एकदम फिटम फिट हो चुके, क्योंकि भीगे रजरज के हैं आज, एकदम रजरज के भीगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ मैंने किस तरीके से काम करा है। दोपहर के 2 बजे से रात 11:30 बजे तक काम करा है, 11:38 तक, तो लगभग अपन ने 9.5 घंटे प्लस काम किया है। तो जो अर्निंग यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी 530 रुपये की रैपिडो में हुई है। आप लोग मतलब चेक करना कि 120 राइडें बगल में दिखा रहा, बट उसमें से 7 राइडें तुम्हारे भाई ने करी, जिसमें से एक पार्सल का था, तो 7 ट्रिप में 530 रुपये की अर्निंग हुई, ठीक है। और दूसरा दिखा रहा हूँ, ओला में एक भी राइड नहीं आई है, तो उसको भी भर भर के आज स्किप मारी मैंने दबा दबा के, ठीक है। तो मैं पोर्टर में 200 रुपये की अर्निंग है, हाँ 242 रुपये की अर्निंग, मैंने सब कैलकुलेट कर रखा है। और बाकी ऑफलाइन का आपको गिनाता हूँ कि एक रैपिडो की राइड लेके आए थे वहां से प्लासियो से, जिनका मतलब राइड क्या, वो सामान उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने 250 रुपये करा था, जबकि एक राइड का 123-125 रुपये हो रहा था, तो मेरे को 125 रुपये एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। और जो पहला ऑर्डर लेकर गया था मैं, वो 250 रुपये का था ऑफलाइन वाला पर्सनल ऑर्डर, वो भी समझ लो कि 250 रुपये अगर मैंने काउंट कर रखे हैं। देन उसके बाद मैंने 97 रुपये के रात में आते आते पोर्टर मार दिया था, तो वो भी यहाँ पे मैंने काउंट कर रखा, उसके 81 रुपये हमको मिला था, ठीक है। तो टोटल जो अर्निंग हो गई 1228 रुपये की अर्निंग हो गई 9.5 घंटे में। आप लोग बताना कैसी अर्निंग है, अगर अर्निंग अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, आज तक जो कुछ भी था यही, मतलब जो कुछ भी था यहीं तक था, और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, और कुछ नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी एक एडवाइस है, कभी ना हाथ जोड़ना, मंजिल को पास रख, तू से वास्ता ना तोड़ना, लास्ट तक ये खास कर, तू रास्ता ना छोड़ना, सपने होंगे वास्तव, सिर्फ आज का ना सोचना।